गौतम कॉलेज में चल रहे युवा समारोह ग्रुप 5 का समापन भी आगाज की तरह शानदार रहा। 4 दिन तक चले युवा समारोह में एकांकी प्रशासन मुख अभिनेब स्वांग का मंथन भी किया गया। युवा कलाकारों ने अपनी कला व अपनी प्रतिभा का खूब प्रदर्शन किया। समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार मुख्य अतिथि थे। गौतम महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर रजनीश गौतम ने मुख्य अतिथि को शॉल टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आए हुए अन्य अतिथि गणों को भी टोपी पहनाकर सम्मानित किया। डॉक्टर रजनीश गौतम ने उप कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय डॉक्टर सिकंदर कुमार का स्वागत किया व इतना बड़ा कार्यक्रम देने के लिए उनका धन्यवाद भी किया। उन्होंने हम पर विश्वास जताते हुए इतने बड़े कार्यक्रम का भार हम पर सौंपा है। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में गौतम कॉलेज के प्रबंधन को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। वो युवा समारोह के सफल आयोजन के लिए प्रशंसा की। उन्होंने नौजवान पीढ़ी को नशे की ओर न जाने व उनकी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करने का आह्वान किया। वो भ्रष्टाचार व सामाजिक भेदभाव को दूर करने को भी कहा। इससे पहले हास्य नाटिकाओं का मंथन किया। छात्रों ने सामाजिक समस्याओं को उजागर किया। वो सभाकार में उपस्थित दर्शकों को हस्तांकर लूटपोट भी किया। तत्पश्चात अतिथि महोदय ने प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वांग में प्रथम जीएस डलियारा कॉलेज, द्वितीय स्थान पर चौड़ा मैदान शिमला व तृतीय स्थान पर जीसी कुल्लू व सीमा कॉलेज रहा। मूक अभिनय में प्रथम स्थान पर जीएस मंडी, दूसरे स्थान पर चौड़ा मैदान शिमला व तीसरे स्थान पर जीएस करसोग व धर्मशाला कॉलेज रहे। प्रहसन में प्रथम सीमा कॉलेज, दूसरे स्थान पर संजौली व मंडी कॉलेज रहा। तीसरे स्थान पर गौतम कॉलेज हमीरपुर रहा। एकांकी में प्रथम जीसी बिलासपुर कॉलेज रहा, दूसरे स्थान पर जीसी मंडी व गौतम ग्रुप कॉलेज रहा। तीसरे स्थान पर जीसी रामपुर कॉलेज रहा। सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीसी बिलासपुर के ऋषभ को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को मंडी कॉलेज प्रियंका को मिला। हिमाचल में बेटों की नस्ल सुधार में रेमबो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे भेड़ पालकों की आर्थिकी को भी पंख लग जाएंगे। पशुपालन विभाग के जूरी स्थित भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र ने कृत्रिम गर्भाधारण में मेमने पैदा करने में सफलता हासिल की है। ये प्रयोग हिमाचल प्रदेश में पहली बार जूरी में सफल हुआ है। जूरी भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र में रेम्बुलेट के सिमर को रामपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले एक्टिव भेड़ से गर्भ धारण करवाया और 3 नवम्बर को मेमना पैदा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के दौरान विभाग ने इसे विकासात्मक प्रदर्शनी में भी रखा था और भेड़ पालकों को जागरूक किया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के दौरान ही इस मेमने का अधिकारियों ने नामकरण कर रेमो नाम दिया। रेमोलेट और बुशहरी यानी रेम और बुशहरी से रेमो रखा गया। उल्लेखनीय है कि पशुपालन विभाग ने यूएसए के टेक्सास से 70 के दशक में रेमोलेट नस्ल के मेड़ों को लाया था। उसके बाद विभाग के भेड़ प्रजनन केंद्र में इसका विस्तार किया गया। मूल रूप से ये नस्ल फ्रांस की है और इस नस्ल के मेड़ 85 किलो से अधिक वजनी और एक समय में 3.5 किलो से अधिक निकलता है। बुशहरी नस्ल की भेड़ों में बीमारियों का प्रकोप कम रहता है और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता रहती है। पशुपालन विभाग ने पहले ही नस्ल सुधार की प्रक्रिया शुरू कर रेमोलेट को F2 ब्रीड तैयार किया है। इसी F2 ब्रीड से प्रजनन करवाकर रेमो तैयार किया है। जूरी ब्रीड प्रजनन प्रक्षेत्र के चिकित्सक डॉक्टर रविंदर ने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान से पहला बच्चा जूरी फार्म में आ गया है। आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जाएगा और इसका नामकरण कर नाम रेमो रखा है। ये हमारा पहला प्रशिक्षण था। उन्होंने बताया कि भी दूसरी तकनीकों का भी प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बकरी के कृत्रिम गर्भाधान का यूनिवर्सिटी काम कर रही है लेकिन बेड़ में ये प्रयास ज्यूरी फार्म ने किया और सफल हुए। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभाग द्वारा बेड़ पालकों को दी जाने वाली सहायता की भी जानकारी दी।